रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो खाद्य तेल से है। खाद्य तेलों की महंगाई से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के बाद इंडोनेशिया ने 3 जून तक कुल 2,75,454 टन तेल उत्पादों के निर्यात परमिट जारी किए हैं। वहीं भारतीय बाजार में पाम तेल की इतनी मात्रा पहुंचने के बाद दर में कमी आने की उम्मीद है। वहीं ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा है कि इस खेत की आपूर्ति के बाद देश में 10 किलो खाद्य तेल का थोक मूल्य 1420 रुपए होगा, जो वर्तमान में 1480 रुपए है। वहीं इंडोनेशिया ने खाद्य तेल की घरेलू कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए 28 अप्रैल को पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद बाजार में करीब 1570 रुपए तक जा रही थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव में इंडोनेशिया को 23 मई से पाम तेल के निर्यात पर लगी रोक हटानी पड़ी। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी लोगों को खाद्य तेलों की महंगाई से राहत दिलाने के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं, जिसका असर जल्द ही बाजार में दिखने की उम्मीद है। वहीं NCDX पर सरसों तेल में फ्यूचर्स ट्रेडिंग को निलंबित कर दिया गया है और स्टॉक की सीमा भी लगा दी गई है। मूंगफली, सरसों और सोयाबीन की फसलों का घरेलू उत्पादन बढ़ा है, इससे भी खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले एक साल से खाद्य तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर मूल्य शुल्क 2.5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इन तेलों पर कृषि उपकर घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी 32.5% से ये घटाकर 17.5% कर दी गई है। वहीं रिफाइंड पाम ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 17.5% से घटाकर 12.5% कर दी गई है। वहीं सरकार ने रिफाइंड पाम तेल के मुफ्त आयात को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। साथ ही खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक स्टॉक की सीमा लगाई गई है। खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल को 0 आयात शुल्क पर वर्षों के लिए आयात करने की अनुमति दी है। वहीं 2022-23 और 2023-24 सरकार का दावा है कि खाद्य तेलों की बढ़ती घरेलू कीमतों, घरेलू मांग में औसत वृद्धि और वैश्विक पाम तेल की उपलब्धता में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। खाद्य तेलों के मामले में सोयाबीन तेल की कीमत में 35.50% की वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी वार्षिक वृद्धि दर केवल 13% है। सूरजमुखी तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में ये 8.6% की वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में ये वृद्धि केवल 12.12% रही। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर RBD पामोलिन की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 56.88% रही, लेकिन भारत में ये केवल 13.98% तक ही है। तो ये थी बात खाद्य तेलों की, कि इंडोनेशिया के इस कदम से भारत में खाद्य तेलों की महंगाई को झटका लगा है।